निवेदिता जी, ऑडियो जी, आपकी आवाज आ रही बहुत ज्यादा सर। ऑडियो जी आपकी तरफ से मुझे आवाज बहुत आ रही है, तो बोलने में दिक्कत हो रही है। हाँ सर अब अभी ठीक ठीक है, है हाँ सर, अब ठीक अब है, ठीक है अब सर, ठीक है, हाँ अब ठीक ओके है, सर। ओके ओके। आज हम लोग श्रीलाल शुक्ल के उपन्यास राग दरबारी पर बात करेंगे। हमारे यहाँ कुछ तकनीकी खराबी की वजह से आपसे जुड़ने में थोड़ा विलंब हुआ, लेकिन अब चूंकि तकनीकी खराबी अपने हाथ में नहीं है, इस वजह से कुछ कर भी नहीं सकते। तो खैर आइए हम लोग बात शुरू करते हैं राग दरबारी उपन्यास के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल का एक चर्चित उपन्यास है, और इस उपन्यास पर उन्हें साहित्य अकादमी का पुरस्कार भी मिला था। इससे पहले इस उपन्यास की कई खासियत है, उस पर हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले इस पर हम बात करें कि हिंदी में उस समय तक व्यंग लिखे जा रहे थे, लेकिन व्यंग परक पूरा का पूरा उपन्यास लिखा जा सकता है ये नहीं हुआ था उसके पहले। राग दरबारी में श्रीलाल शुक्ल ने इस बात को साबित किया कि व्यंग परक मोटा उपन्यास भी लिखा जा सकता है व्यंग पर। तो ये एक उपलब्धि थी। दूसरी उपलब्धि ये थी कि इस उपन्यास का जो शीर्षक रखा गया वो शीर्षक है राग दरबारी। भारत में हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में हिंदुस्तानी तो एक अलग ही शैली है, ये कहिए कि भारत में संगीत की, शास्त्रीय संगीत की दो शैलियां हैं। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत, जिसका मतलब कि इधर उत्तर भारत का संगीत है, और दूसरा कहते हैं कर्नाटक संगीत। जो कर्नाटक संगीत है उसके तहत, चाहे वो तमिलनाडु का संगीत हो, केरल का संगीत हो, या दक्षिण भारत के किसी भी राज्य का संगीत हो, वो कर्नाटक संगीत की शैली को गाते हैं। तो उत्तर भारत के हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में, जैसा कि मैंने बताया कि एक राग है राग दरबारी, तो उस राग दरबारी के नाम पर इसका शीर्षक रखा गया, और इस शीर्षक में ही व्यंग है। जो राग दरबारी का मतलब होता है ऐसा राग जिसको गायक अपने राजा के दरबार में गाते थे, और इसका जो ओरिजिन है वो अकबर के समय में तानसेन के गायन से जोड़ा जाता है। आप जानते हैं कि अकबर के नौ रत्न थे। नौ रत्न से मतलब नवरत्न जो है वो नौ लोग उनके जो दरबार में थे, जुड़े हुए अलग अलग क्षेत्र के, उनसे मुराद है, यानी उनसे मतलब है नवरत्न का। इसलिए अकबर के नवरत्न भी इतिहास में आपको पाया जाता है, आप जानते हैं। तो उस नवरत्न में एक थे रहीम, हिंदी के कवि हुए अब्दुल रहीम खान खाना, दूसरे टोडरमल, तानसेन, और आईने अकबरी लिखने वाले अबुल फजल, तो कई लोग थे। तो उसमें से एक तानसेन भी थे। तानसेन अकबर के दरबार में गाते थे, और उन्होंने गाते हुए जो अलग अलग राग गाए बनाए, उसमें से एक राग है राग मियां मल्हार, राग मियां की तोड़ी, और राग दरबारी। तो ये सब राग है। इस उपन्यास में जैसा कि मैंने बताया कि यह एक व्यंग परक उपन्यास है, तो इसके शीर्षक में ही
व्यंग है, क्योंकि 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो कहा गया कि यह जनता का शासन है, जनता के लिए शासन है और जनता के द्वारा शासन, जनता के द्वारा यूं है कि जनता खुद ही अपने लिए अपना नेता चुनती है और तय करती है कि हमारे ऊपर कौन शासन करेगा। लेकिन उसमें जनता की भूमिका सिर्फ वोट देने तक ही सीमित होकर रह गई है, बाकी किसी भी चीज पर जनता का कोई नियंत्रण नहीं है। और जो पूरा सिस्टम है, इस पूरे सिस्टम को उन्होंने बहुत व्यंग्यपरक ढंग से इसको बेनकाब किया है। बेनकाब करना मतलब कि इस पर से पर्दा हटाया है कि भले कहा जाए कि ये जनता का शासन है, लेकिन यह शासन किस तरह का है कि इसमें बिना राग दरबारी गाए हुए, राग दरबारी मतलब राजा की प्रशंसा में, राजा की खुशामद में हमेशा लगे रहना जो दरबार के गायकों का काम था, वैसा ही अभी भी है। इसलिए बिना राग दरबारी गाए हुए इस लोकतंत्र में भी कोई काम संभव नहीं है। तो ये एक इसके शीर्षक में ही व्यंग है। और इस उपन्यास को लेकर के मैं आपसे कुछ उसके वाक्य को लेकर के भी कुछ बात करूंगा, और फिर इसके शुरुआत को लेकर के, इसके आखिर को लेकर के, कि इसमें नाम भी इसी तरह के चुने गए हैं, और नाम जो चुने गए हैं तो उसमें भी किस तरह की बात इसमें कही गई है। मैं आपको दो तीन बातें इसमें से, बात शुरू करने से पहले उपन्यास के आलोचकों की बात बताता हूं। पश्चिम में एक बड़े विद्वान हुए हैं लूसिए गोल्डमान। लूसिए गोल्डमैन की एक किताब है टुवार्ड्स ए सोशियोलॉजी ऑफ द नॉवेल। इसके पहले ही दूसरे पेज पे, यानी पेज नंबर 1-2 पे, ये उनका एक कोटेशन है जो मैं आपको बता रहा हूं, सुन के अच्छा लगेगा। द नॉवल इज अ स्टोरी ऑफ ए ड्रैग्ड सर्च, अ सर्च ऑफ ऑथेंटिक वैल्यूज इन ए वर्ल्ड इटसेल्फ ड्रैग्ड बट एन अदरवाइज एडवांस्ड लेवल अकॉर्डिंग टू ए डिफरेंट मूड। दीज वैल्यूज आर स्पेसिफिक टू ईच नॉवल एंड डिफरेंट फ्रॉम वन नॉवल टू अनदर। और एक दूसरे विद्वान हुए हैं मिशेल जराफा। मिशेल जराफा क्या कहते हैं, उपन्यास के पाठ में यह बात निहित होती है कि मनुष्य अकेला नहीं जीता है, उसका एक अतीत, एक वर्तमान और एक भविष्य होता है। उपन्यास यह भी सिद्ध करता है कि इतिहास के बिना कोई समाज नहीं होता और समाज के बिना इतिहास भी नहीं होता है। उपन्यास वह कला रूप है जो ऐतिहासिक और सामाजिक रूप से परिभाषित मनुष्य की पुनः प्रस्तुति करता है। अब ये दोनों जो पश्चिम के दो विद्वान हुए, मिशेल जराफा और लूसिए गोल्डमान, इनकी जो बातें हैं उसके आलोक में अगर आप देखें श्रीलाल शुक्ल के उपन्यास को, तो आपको पता चलेगा कि श्रीलाल शुक्ल का जो उपन्यास है वो किस तरह से इस श्रीलाल शुक्ल के उपन्यास पर ये बातें लागू होती है। ऐसा कहा जाता है कि रचनाकार जिंदगी भर किसी एक ही कृति को रचता रहता है। उसकी जो आरंभिक रचनाएं, जहां उस कृति विशेष की तैयारी में लिखी जाती है, वहीं बाद की जो रचनाएं होती है वो उसका विस्तार मात्र होती है। यह बात राग दरबारी के रचनाकार पर भी कमोबेश लागू होती है। श्रीलाल शुक्ल का यह उपन्यास सोचिए अगर न लिखा जाता तो क्या होता। हम अगर इस तरह के एक ऐसे सवाल से शुरू करें कि श्रीलाल शुक्ल अगर ये उपन्यास नहीं लिखते, और जैसा कि हम कहते हैं कि यह
कालजयी उपन्यास है, तो यह उपन्यास कालजयी नहीं होता। अगर राग दरबारी न हुआ होता तो जाने कितनी पीढ़ियां शहर की सड़कें छोड़ने के बाद हिंदुस्तानी देहात का जो महासागर शुरू होता है उसमें गोते लगाए बिना नहीं रहती। हम ये कहते हैं इसलिए आपसे, तो उपन्यास के शुरू में ही पहला वाक्य आता है कि शहर के खत्म होने के बाद जहाँ से हिंदुस्तान के देहात का महासागर शुरू होता है वहां पर एक गांव है शिवपालगंज। शिवपालगंज जो है इस उपन्यास की कथा भूमि है। यही इसी गांव की कथा भूमि में यह पूरा उपन्यास घटित होता है। तो इस तरह से, और उस शिवपालगंज में रहने वाले जो लोग हैं वो अपने आप को, क्योंकि शिवपाल गंज लिखा है तो गंज के कारण वे लोग अपने आप को गंजहे कहते हैं। गंजहे मतलब जिनके सिर में बाल नहीं हो, ऐसा नहीं है। इस उपन्यास में मैं जब जब गंजहे कहूँ तो इसका मतलब है रेजिडेंट ऑफ शिवपालगंज, यानी शिवपालगंज के रहने वाले लोग। हिंदी साहित्य में आपने मैथिली शरण गुप्त की एक कविता पढ़ी होगी जरूर। कविता में आहा ग्राम्य जीवन भी क्या है, थोड़े में निर्वाह यहाँ है, ऐसी सुविधा और कहाँ है। इस तरह की जो भावुकता वाली कविता है, इसके पहले आपने ये पढ़ी होगी या आपने देखा होगा कि जो हमारी सरकारें हैं वो हमें इंडिया शाइनिंग, भारत निर्माण और साफ नीयत, सही विकास, तरह तरह के विज्ञापन जो गांव को लेकर के दिखाते हैं उसमें या तो आपको गांव का बढ़िया जीवन मिलेगा, लेकिन गांव के जीवन को लेकर के आप जब इस उपन्यास को पढ़ते हैं तो डॉक्टर बी आर अंबेडकर की यह उक्ति आपको चरितार्थ होती हुई दिखती है कि जो देहात है वो अशिक्षा और अंधकार का गढ़ है। अशिक्षा ही नहीं है, तरह तरह का अंधकार भी है। और इसीलिए उसमें जो पंडित है एक राधे लाल राग दरबारी में, वो अपनी सुविधा के अनुसार कुछ भी कह देता है। सुविधा के अनुसार मतलब अगर उसको अदालत में जाना हो और अदालत में किसी की गवाही देनी हो तो कहता है कि हुजूर पढ़ा लिखा नहीं हूं, और अगर बात बिगड़ने लगे तो निरक्षरता जो है यानी इलिटरेसी उसकी सीमा पार के कहता है, सीमा पार करके कहता है कि सरकार दस्तखत कर सकता हूँ, यानी कि साइन कर सकता हूँ, सिग्नेचर कर सकता हूँ। और जब अदालत में आती है बात तो कहते हैं कि पढ़ा लिखा नहीं, यानी जब जैसा समय देखा, जब जैसा माहौल देखा उसके हिसाब से अपना बयान स्टेटमेंट चेंज कर लिया। एक बात जो आज भी हमारे लिए इस उपन्यास में प्रासंगिक है कि इसमें एक छंगाबल कॉलेज है, ये नाम भी देखिए, और उसमें एक पात्र है वैद्य जी। वैद्य जी जो है वही इस उपन्यास में समझ लीजिए जो समस्याएं हैं उसकी एक उसके कारक तत्व हैं, उसके एलिमेंट हैं। देश में जो उच्च शिक्षा की बदहाली है उसको लेकर के श्रीलाल शुक्ल उस उपन्यास में कहते हैं कि भारत में उच्च शिक्षा रास्ते में पड़ी हुई कुटिया है जिसे कोई भी लात मार कर निकल सकता है। उपन्यास की पंक्ति में बता रहा, कह रहे हैं कि भारत में उच्च शिक्षा रास्ते में पड़ी हुई कुटिया है जिसे कोई भी लात मार कर निकल सकता है। राग दरबारी न होता तो हम यह कैसे जान पाते कि मध्य युग का कोई सिंहासन रहा होगा जो अब घिसकर कुर्सी बन गया है और हमारे दरोगा जी उस पर विराजते हैं। अगर गंजहों को दिया सहज ज्ञान न होता तो यह ज्ञान कौन देता कि पुनर्जन्म का इजाद भारत की दीवानी अदालतों में हुआ ताकि यह कोई अफसोस कर लेकर न मरे कि उसे इंसाफ न मिला। अब व्यंग देखिए अदालतों पर भी है कि भारत में
कई बार किसी किसी मुकदमे में एक पूरा जेनरेशन समाप्त हो जाती है, और तब जाकर के 25 साल 30 साल में किसी फैसले पर जजमेंट आता है, जल्दी जजमेंट नहीं आता है। तो न्याय की ये स्थिति है। शिक्षा की स्थिति ये है कि हर सरकार अपने अपने विचारधारा को लागू करने के लिए शिक्षा में प्रयोग करती है कि हमारे हिसाब से ऐसी शिक्षा होनी चाहिए, ऐसी शिक्षा होनी चाहिए, ताकि जो हमारे आइडियोलॉजी के लोग हैं वो तैयार हो सकें और हमारी सत्ता सुरक्षित रह सके। उसमें ये चिंता नहीं है कि जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनका भविष्य बेहतर हो। उनको शिक्षा में भी अपनी सरकार की और सत्ता की चिंता दिखाई देती है। इसलिए छंगामल कॉलेज के बहाने राग दरबारी उपन्यास में श्रीलाल शुक्ल ने यह बताया है। अब जो भारत में कृषि, हमारी पुरानी कहावत आप जानते होंगे, बचपन में पढ़ा भी होगा कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और ज्यादातर लोग भारत में कृषि पर निर्भर हैं, खेती पर। राग दरबारी उपन्यास न हुआ होता तो कृषि संस्कृति पर कितना व्यंग है और कितनी आयरनी को रेखांकित किया है श्रीलाल शुक्ल ने, यह भी आप नहीं जान पाते। जैसा कि हमने शुरू में कहा कि हम इससे शुरू करें कि यह उपन्यास नहीं लिखा गया होता तो क्या होता, तो क्या होता। एक तो शिक्षा व्यवस्था पे हमने बात की, इस तरह से शिक्षा व्यवस्था पे व्यंग करने वाला, जो कह रहे हैं कि भारत में उच्च शिक्षा रास्ते में पड़ी हुई एक कुतिया है जिसे कोई भी लात मार सकता है, और दूसरा वो इंसाफ अदालत को लेकर के कह रहे हैं कि भारत में कई पीढ़ियां गुजर जाती है और उसको इंसाफ नहीं मिलता है, तीसरा वो कृषि संस्कृति पर कहते हैं। कहते हैं गंजहों ने पूरे भारत के ग्रामीणों को स्वर दिया और एक अनूठा सिद्धांत स्थापित किया कि सरकारी प्रशिक्षण कार्यक्रमों में वक्ता और श्रोता दोनों को, दोनों एक दूसरे को मूर्ख मानकर चले। राग दरबारी न लिखा गया होता तो अधिक अन्न उपजाऊ टाइप के जो विज्ञापन दीवारों पर लिखे हुए मिलते हैं आपको, वो राग दरबारी के गंजहों ने, गंजहों मतलब वहां के रेजिडेंट, फिर बता रहा हूँ, उन्होंने पहले ही समझ लिया, और इस तरह के विज्ञापनों का काम सिर्फ गॉसिप के लिए रह गया। गंजहों ने बताया कि विज्ञापनों में जो छपे बहुत स्वस्थ तंदुरुस्त शरीर वाले पुरुष लोग आपको दिखाई देते हैं, इसका मतलब समझा जाए बद्री पहलवान और उसके साथ जो उसकी पत्नी को दिखाया गया है, वो उन्होंने वहां के एक पात्र, उस उपन्यास का जो पात्र है वो सुघड़ कन्या, ये लिखा है कि उसके बारे में पूरा गांव विचार देने के लिए स्वतंत्र है। ये भी व्यंग है कि आप जो विज्ञापनों में देखते हैं किसान, गांव, खेती के बारे में बात करने वाले लोग, वो तो सब मॉडल होते हैं, मॉडलिंग करने वाले लोग, जिन मॉडल्स को लेकर के वो एडवर्टाइजमेंट बनाया जाता है, उतना बेहतर और उतना स्वस्थ और सुंदर किसान तो भारत के किसी गांव में नहीं होता है। तो ये भी व्यंग किया है कि किस तरह से विज्ञापनों का जो सच है उस सच को इन्होंने राग दरबारी में अनावृत किया है। यह भी गांव के लोगों पर कितना बड़ा व्यंग है कि ऐसे मॉडल्स को लेकर के विज्ञापन बनाए जाते हैं जैसा किसान किसी गांव में नहीं पाया जाता। फिर उसी ऊपर सवाल की तरफ लौटे हैं कि राग दरबारी न होता उसमें छंगामल नामक माध्यमिक विद्यालय जो है वो खुद ब खुद अपने आप में एक किरदार है कि राग दरबारी लिखे जाने के 50-55 साल के बाद भी उसका यौवन बरकरार है। मतलब उसी तरह के जो स्कूल हैं वो आज ज्यादातर भारत के राज्यों में हैं। छंगामल विद्यालय में इतिहास के मास्टर खन्ना हैं जो कभी अंग्रेजी पढ़ाते हैं और कभी अपने
किसी भूगोल के अध्यापक से को आपने देखा होगा कि वो उस उपन्यास में भौतिक विज्ञान पढ़ाते हैं, और इस तरह से शिक्षा का जो पूरा बर्बादी है, पूरा जो कवारा है, वो आपको इस स्कूल के माध्यम से उन्होंने दिखाया है कि जो ज्योग्राफी का टीचर है वो फिजिक्स कैसे पढ़ा सकता है बढ़िया। लेकिन इस उपन्यास में दिखाया गया कि फिजिक्स का टीचर नहीं आया है तो ज्योग्राफी के टीचर को कहते हैं कि जाके आप पढ़ा दीजिए। उसमें हिस्ट्री के टीचर हैं मास्टर खन्ना, उनको कहते हैं कि अंग्रेजी के टीचर नहीं है तो आप अंग्रेजी पढ़ा दीजिए। अब इतिहास का, हिस्ट्री का आदमी अंग्रेजी बढ़िया कैसे पढ़ा सकता है, लेकिन उसमें बताया गया। तो इस तरह से आज के माहौल पर देखिए तो भारत के बहुत से राज्यों में, बहुत से कॉलेजों में आप देखेंगे, हम आप सब उच्च शिक्षा से जुड़े हैं, आप जानते हैं कि लोग जितनी संख्या में रिटायर हो रहे हैं उतनी संख्या में नियुक्ति नहीं हो रही है, यानी अपॉइंटमेंट्स नहीं हो रहे हैं। इसके कारण क्या हो रहा है कि पढ़ाने वाले टीचर्स की कमी होती जा रही है, और इसके कारण जो है कमी के कारण बहुत से राज्यों में हालत ये है, जैसे बिहार में बहुत, उत्तर प्रदेश में भी और अन्य अनेक राज्यों में, कि जिस कॉलेज में 100 अपॉइंटमेंट्स होने थे उसमें नहीं हो पाए इतने, तो इस वजह से उसमें जहाँ 100 टीचर्स को होना चाहिए 10 है 15 है, उसी से पूरा कॉलेज चल रहा है। तो आज भी राग दरबारी का जो ये व्यंग है वो हमारी शिक्षा व्यवस्था को लेकर के एक रेलेवेंस को दिखाता है। ये उपन्यास अपने 50-60 साल के बाद भी इस चीज को दिखा रहा है, और ये दिखाना कोई अच्छी बात नहीं है। प्रेमचंद का उपन्यास अगर आज रिलेवेंट है तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। उस उपन्यास को रिलेवेंट नहीं होना चाहिए। रिलेवेंट की जब हम बात करें तो 1936 में, जैसा कि कल हमने आपको गोदान पढ़ाया था, तो गोदान में किसानों की जो हालत है तो वैसी हालत आज भी होना तो अच्छी बात नहीं है कि 70-80 साल हो गए और किसान आज भी उसी बदहाल हालत में है कि आप रोज अखबार में देखते होंगे, टीवी में देखते होंगे कि दिल्ली के आसपास किसानों का आंदोलन चल रहा है। या जो शिक्षा व्यवस्था पर ये राग दरबारी की हम बात कर रहे हैं, आज भी इसी तरह का सिस्टम पूरा चल रहा है, तो ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन हमारे आपके अच्छी या बुरी कहने से क्या होता है, जब सरकारों का काम है इस चीज को ठीक करना और सरकारें इस काम को नहीं कर रही हैं, तो ये उपन्यास रिलेवेंट बना हुआ है। इसमें एक पात्र, मैंने जैसा बताया कि एक पात्र है वैद्य जी, जो वैद्य जी है उस दौर में जो आज एलोपैथिक इलाज का सिस्टम है वो इतना आगे का सिस्टम नहीं था, तो ज्यादातर लोगों का आयुर्वेद की पद्धति से इलाज होता था, और जो आयुर्वेद की पद्धति है वो आप जानते हैं कि उसमें इलाज करने वाले को कहा जाता है वैद्य, और जो यूनानी मेडिसिन का तरीका है उस पद्धति से इलाज करने वाले को कहा जाता है हकीम। तो उस समय के जो भारत के गांव थे उसमें वैद्य हकीम ये दो उपलब्ध थे, तो उसमें एक वैद्य जी हैं जो कि इलाज भी करते हैं और एक कॉलेज भी चलाते हैं और अपने को बुद्धिजीवी भी कहते हैं। वो जो कॉलेज चलाते हैं उस कॉलेज के जो प्रिंसिपल हैं उनका आपको मैं एक डायलॉग सुनाता हूँ, आपको इससे पता चलेगा कि क्या सोच है और किस तरह से वो कॉलेज चलाया जा रहा है। डायलॉग शुरू हो रहा है, और सच पूछो तो मुझे यूनिवर्सिटी में लेक्चरर न होने का कोई गम नहीं, वहां तो और भी नरक है, पूरा कुंभी पाक,
दिन रात चापलूसी, कोई सरकारी बोर्ड 10 रुपल्ली की ग्रांट देता है और फिर कान पकड़कर जैसी चाहे वैसी थीसिस लिखा लेता है। जिसे देखो कोई ना कोई रिसर्च प्रोजेक्ट हथियाए हुए है, कहते हैं कि रिसर्च कर रहे हैं, पर रिसर्च भी क्या, जिसका खाते हैं उसी का गाते हैं, और कहलाते क्या है, देखो देखो कौन सा शब्द है। हाँ हाँ याद आया बुद्धि जी। तो हालत यह है कि बुद्धिजीवी हैं पर विलायत का एक चक्कर लगाने के लिए यह साबित करना पड़ जाए कि हम आपकी आप अपने बाप की औलाद नहीं है तो साबित कर देंगे। चौराहे पर 10 जूते मार लो पर एक बार अमेरिका भेज दो। ये है बुद्धिजीवी। ये आपके पास जब उपन्यास हो तो उपन्यास के पेज नंबर 191 पर आप इसको देख सकते हैं। पूरा चित्र जो है इसके माध्यम से, प्रिंसिपल के माध्यम से इन्होंने खींच लिया है। कल हमने प्रेमचंद पढ़ाया था। प्रेमचंद ने अपने जमाने के शिक्षित मध्य वर्ग के बारे में क्या कहा है वो आपको बताते हैं। उन्होंने कहा है, पशु से मनुष्य कहानी में लिखा था, इन महान पुरुषों में से प्रत्येक व्यक्ति सैकड़ों नहीं हजारों लाखों की जीविका हड़प जाते हैं और फिर भी उन्हें जाति के भक्त बनने का दावा है। पैदा दूसरे करें, पसीना दूसरे बहाएं, खाना और मूछों पर ताव देना इनका काम। मैं समस्त शिक्षित समुदाय को निकम्मा ही नहीं अनर्थकारी भी समझता हूं। पूरे उपन्यास में व्यंग की जो धार है वो एक लेवल पर नहीं है, अनेक लेवल पर व्यंग है। और इसलिए इसमें जो सत्तासीन वर्ग है उसके साथ उसकी तो खबर ली ही गई है, और उन गांव के किसानों की भी खबर ली गई है जिसके बारे में ये इमेज बनाया जाता है कि बड़े भोले भाले होते हैं। उनको लेकर के क्या कहते हैं, किसानों को जमीन ज्यादा प्यारी होती है। यही नहीं, उसे अपनी जमीन के मुकाबले दूसरे की जमीन बहुत प्यारी होती है और वह मौका मिलते ही अपने पड़ोसी के खेत के प्रति लालायित होता है। निश्चय ही इसके पीछे साम्राज्यवादी विस्तार की नहीं, सहज प्रेम की भावना है जिसके सहारे वह बैठता अपने खेत की मेड़ पर है पर जानवर अपने पड़ोसी के खेत में चराता है। गन्ना चूसना हो तो अपने खेत को छोड़कर बगल के खेत से तोड़ता है और दूसरे से कहता है कि देखो मेरे खेत में चोरी हो रही है। यह गलत नहीं कहता है, क्योंकि जिस तरह उसके खेत के बगल में दूसरे का खेत है उसी तरह और के खेत के बगल में उसका खेत है और दूसरे की संपत्ति के लिए सभी के मन में सहज प्रेम की भावना है। अब व्यंग्य देखिए, किसान जब गन्ना खाने की इच्छा होती है तो वो दूसरे के खेत के गन्ने को तोड़ करके उखाड़ करके लाता है और खाता है और कहता है कि मेरे खेत में चोरी हो रही है, तो उसके खेत में भी दूसरा किसान जाकर के उखाड़ता है। इसी तरह से जमीन उसके बगल में किसी का है तो वो चाहता है कि इस जमीन को हम अपने खेत में मिला लें ताकि हमारा खेत बड़ा हो जाए। तो इसमें आप देखेंगे कि जो नेता है, जो सत्तासीन वर्ग है, सिर्फ उसी पर व्यंग नहीं है, उसके साथ साथ जो गांव के भोले वाले किसान जिसको कहा जाता है वो भी उतने भोले वाले नहीं होते हैं। आप जब गोदान पढ़ेंगे तो उसमें भोला नाम का एक किसान है, वो क्या करता है कि जो कपास होता है, कॉटन, कॉटन के रुई में जब रुई बेचता है तो थोड़े से उसके बीज मिला देता है ताकि कम रुई लगे और पूरा का पूरा जो है बीज के वजन से रुई समझा जाए और हमें रुई का पैसा मिल जाए। तो इस तरह से किसानों को भी जहाँ मौका मिलता है तो वो अपनी चालाकी करता है और उस चालाकी से वो बाज नहीं आता है। तो इसलिए इसमें जो मैंने कहा कि इसमें एक लेवल पर व्यंग नहीं है, इसमें अनेक लेवल पर व्यंग है और उसी व्यंग के कारण इस उपन्यास में ये बड़ा जीवंत तो हो गया है कि आप जो भी चित्र देखें इसमें, चाहे गांव का, चाहे शिक्षा व्यवस्था का, चाहे शहर का, उसमें हर लेवल पर इस पर व्यंग आपको दिखाई देता है। एक बात जो
इस पर आलोचना करने वाले लोगों की तरफ से मैं इस उपन्यास की जो जिन लोगों ने आलोचना लिखी है उस पर बात करें, तो कुछ लोगों के नाम मैं आपको बताना चाहता हूं कि किन लोगों ने किस तरह से लिखा और किसने इस चीज को समझा, किसने नहीं समझा, और कौन समझने से चूक गए या किन की बात से आप इत्तफाक नहीं रख सकते। राग दरबारी जो उपन्यास है इस पर सबसे पहली समीक्षा नेमी चंद्र जैन ने लिखी थी। उपन्यास की चित्रण शैली में अंतर्भूत अंतर्दृष्टि और यथार्थ के प्रस्तुतिकरण में अंतर्भूत जो सामाजिक द्वंद्वात्मकता के बजाय नेमी जी ने राग दरबारी में आद्यंत आद्यंत मतलब आदि से अंत तक यथार्थवादी सपाटता देखते हैं, वो उसमें प्रमुख बात उन्होंने कही है। उन्होंने कहा कि पूरे उपन्यास में जो रियलिटी है वो रियलिटी बहुत सपाट ढंग से साफ साफ कही गई है, उसमें कोई कला नहीं है। 1968 में यह समीक्षा लिखी गई थी और इस समीक्षा को तत्कालीन जो विवाद है, जो उन दिनों के कंट्रोवर्सीज है, उसको जब तक आप नहीं समझेंगे तो ये क्यों लिखा गया और इस तरह की समीक्षा क्यों लिखी गई ये नहीं आपको समझ में आएगा। श्रीलाल शुक्ल ने बताया कि जो रचना का प्रेरणा स्रोत है वो भारतीय ग्राम जीवन के अंतर विरोधों की पहचान में ही निहित है, और जिन लेखों और टिप्पणियों में श्रीलाल शुक्ल अपना पक्ष प्रस्तुत करते हैं या किया है उसमें उन्होंने कहा है कि नेमी जी की समीक्षा के बाद दो युवा रचनाकार कमलेश तथा नीलाभ ने राग दरबारी के कथ्य के मूल अभिप्राय की विवेचना प्रस्तुत की है और उन लोगों ने लिखा कि आजादी के बाद के हिंदुस्तान में अपनाई गई गलत नीतियों की सरांध के प्रति क्षोभ, क्रोध और घृणा का जैसा कथात्मक वस्तु विधान राग दरबारी में प्रस्तुत किया गया है, जैसे तीखे रंगों के यथार्थ की उक्ति द्वारा उपर्युक्त दोनों रचनाकारों ने अभिहित किया है, ऐसा नहीं कहीं किया गया है। तो ये उस उपन्यास के बारे में उनके कथन थे। एक बात और है कि कमलेश ने पहली बार राग दरबारी के आलोचकों की सवर्ण मानसिकता पर प्रहार करते हुए बताया कि कुछ आलोचकों के सुसभ्य और शिष्ट मन को झटका सा लगा इस उपन्यास को पढ़ के, क्योंकि मध्यवर्गीय पाबंदों को राग दरबारी के बहुतेरे अंश फूहड़ और अश्लील लगे। शासक वर्ग ने गांव में मल विसर्जन की सुविधाजनक व्यवस्था का निर्माण नहीं किया है, अतः राग दरबारी में मल विसर्जन के जितने भी वर्णन आए हैं उन पर अनेक समीक्षकों ने नाक भौं सिकोड़ी। कुंवर नारायण जी ने इस तरह के वर्णन के बारे में लिखा है। कुंवर नारायण जी कवि हिंदी के बहुत मशहूर हुए, हाल ही में एक दो वर्ष पहले उनका निधन हुआ, आप जानते हैं। उन्होंने लिखा है कि ऐसे कई स्थल हैं जहाँ इच्छा होती है कि लेखक यदि इतना अधिक यथार्थ के पीछे नहीं पड़ता तो अच्छा होता, व्यंग्य के हित में बहुत अच्छा होता। यानी कि कुंवर जी को भी जो गांव में शौचालय नहीं होने के कारण जो खुले में लोग जाते हैं शौच करने, इस वर्णन को जो उन्होंने लिखा है लंबा, इसको लेकर के उन्होंने ये इशारों इशारों में कहा है कि ये सब चीजें जो है इसका इतना विस्तार से अगर वर्णन नहीं किया जाता तो भी चलता, कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन कमलेश जी ने नवंबर 1968 के दिनमान दिनमान एक टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप का एक मैगजीन था, उस मैगजीन में उन्होंने समीक्षा करते हुए उपन्यासकारों की रूमानी दृष्टि की सीमाओं की आलोचना की और आंचलिक उपन्यासों में राग दरबारी जैसी गैर रूमानी
सौंदर्य दृष्टि तथा चित्रण विधि के अभाव को रेखांकित किया है। तो ये इस पर समीक्षा जो कमलेश की छपी, तो उन्होंने इस चीज की तारीफ की, इस चीज का समर्थन किया कि श्रीलाल शुक्ल ने जो लिखा है वो क्यों सही लिखा है और क्यों वो लिखना जरूरी था। धर्म युग एक पत्रिका मुंबई से निकलती थी, ये भी टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप की पत्रिका थी, ये सब सारी पत्रिकाएं आज बंद हो गई। तो धर्मयुग में परमानंद श्रीवास्तव एक आलोचक हुए, आप भी कभी न कभी कोई किताब आपने पढ़ी होगी। उस समीक्षा में परमानंद जी ने लिखा कि असलियत का सामना हमारा बुद्धिजीवी समाज नहीं कर पा रहा है। वैज्ञानिक विश्लेषण की दृष्टि से हिंदुस्तानी दिमाग के भीतर मौजूद अवरोध तभी समाप्त हो सकता है जब वह मूल्यहीनता के चित्रण के क्रम में व्यंग्यात्मक प्रहार की निसंगता के प्रति ग्रहणशील होगा। यानी कि जो उसमें व्यंग किया गया है उस व्यंग को एक्सेप्ट करेगा और एक्सेप्ट करके आगे बढ़ेगा, तभी जा करके हमारा जो बीजी वर्ग उसको ठीक से समझ पाएगा। इसके अतिरिक्त लगातार जो है इस उपन्यास की समीक्षा होती रही, जिसमें कमलेश, नीलाभ, उपेंद्रनाथ अस्क, परमानंद श्रीवास्तव, इनको दरकिनार करके श्रीपत राय की समीक्षा कथा पत्रिका में छपी, जिसमें उन्होंने कहा, ये लिखा कि राग दरबारी बड़ी ऊब का महाग्रंथ है और अपठित रह जाना ही इसकी नियति है। इसके ठीक उल्टा ये हुआ कि इस उपन्यास को पढ़ने वाला कोई उबता नहीं है और यह हिंदी का बहुत ही लोकप्रिय और बहुत अधिक पढ़ा जाने वाला उपन्यास है। तो इससे साबित ये होता है कि आलोचक के कुछ भी कह देने से किसी कृति की लोकप्रियता पर और उत्कृष्टता पर कोई अंतर नहीं आता है। पाठक ने अगर उसको पसंद कर लिया, पाठक को वो चीज पसंद आ रही है, तो आलोचक के कुछ भी कहने से उस पर फर्क नहीं पड़ता है। ये इससे साबित होता है। 1975 में नित्यानंद तिवारी ने अपनी एक आलोचनात्मक टिप्पणी में राग दरबारी के यथार्थ चित्रण की जो कहने की शैली है उसको लेकर के उन्होंने कहा कि यह एक व्यंग लीला है, जबकि 1969 में, यानी 1969, परमानंद श्रीवास्तव ने इसकी जो खासियत है उसको मूल्यहीनता के लिए जरूरी बताया था। और कमलेश्वर ने 1970 में अपनी टिप्पणी में साफ साफ लिखा कि सच्चाई यह है कि कथाकार जानबूझकर आघात नहीं पहुंचाता, वह संपूर्ण देश में कुछ इस तरह प्रेक्षण करके, प्रेक्षण करना मतलब देखना करके, उसमें प्रवेश करता है कि उससे व्यंग और उपहास उत्पन्न होता है। तो ये अलग अलग आलोचकों की राय है। एक मराठी आलोचक हुए हैं हिंदी के, चंद्रकांत मांदीवडेकर। चंद्रकांत मांदीवडेकर ने कहा कि कथ्य को प्रस्तुत करने की दृष्टि से राग दरबारी बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास है और उन्होंने इस उपन्यास को लेकर के यह व्यंग वो टिप्पणी की कि इस उपन्यास में जो विरोध है उसका मूल कारण है मध्यवर्गीय भाव और विचार बोध पर सीधे सीधे बहुत ही दृढ़ता से इस पर चोट किया गया है, ये इसकी वजह है। इस उपन्यास के छपने के 12 वर्ष तक लगातार इस उपन्यास पर 1980 के बाद तक समीक्षाएं छपती रही और उसके बाद जब 1990 के आसपास
भूमंडलीकरण और उदारतावाद को लेकर के नई नई बहसें शुरू हुई, प्राइवेटाइजेशन को लेकर के बहसें शुरू हुई, और आज भी आप देख रहे हैं कि जो हमारी सरकार है वो निजीकरण पर जोर दे रही है, सरकारी चीजों को बेचने पर जोर दे रही है। ये सब चीजें जब शुरू हुई तो उसके बाद राग दरबारी फिर से अपने व्यंग के कारण केंद्र में ये उपन्यास आ गया। और जब इस उपन्यास को लेकर के सोशियोलॉजी के लोगों ने लिखना शुरू किया, तब हिंदी के आलोचकों को ये समझ में आया कि ये कितनी महत्वपूर्ण कृति है। सोशियोलॉजी के एक बहुत बड़े विद्वान हुए श्यामाचरण दुबे। श्यामाचरण दुबे ने इस उपन्यास की जो व्यंग की धार है इस पर लिखा कि राग दरबारी श्रीपालगंज की कहानी परंपरा और प्रगति के मुखौटों की कहानी है जिन पर लेखक ने निर्मम प्रहार किए। ये उनका मैं कोटेशन सुना रहा हूं, अपने सशक्त पर नियंत्रित व्यंग से गांव के बदलते परिवेश का इतना रोचक वर्णन अन्यत्र दुर्लभ है। शैली में न कहीं उलझाव है न बोझिलता। विराट समाज शास्त्रीय कल्पना वाले 20 विद्वान ग्रामीण यथार्थ के बारे में जो नहीं कह सकते वह इस एक उपन्यास में श्रीलाल शुक्ल ने कह दिया है। श्यामाचरण दुबे की किताब है परंपरा, इतिहास, बोध और संस्कृति, जिसके पृष्ठ संख्या 140-41 पे उन्होंने ये बात कही है। और ये समाज शास्त्र के क्षेत्र में, सोशियोलॉजी के क्षेत्र के बड़े जाने माने विद्वान थे। तो एक समाज शास्त्री ने जब इतनी बड़ी बात कही तो एक दूसरे समाज शास्त्री के कान खड़े हुए, और वे दूसरे समाज शास्त्री थे टी एन मदान। टी एन मदान ने भी इस उपन्यास को पढ़ा और इसको अपने स्टडी के लिए एक सोर्स मटेरियल के रूप में इस्तेमाल किया। फिर इसके अलावा 1938 में राजा राव का एक इंग्लिश में उपन्यास कांतापुरा ये छपा था, और हिंदी का राग दरबारी 1968। इन दोनों उपन्यासों को लेकर के जो दूसरे समाजशास्त्री टी एन मदान है उन्होंने इसको अपने विवेचन का, अध्ययन का आधार बनाया। और टी एन मदान का जो पूरा लेख है उसको अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद करा करके इधर रेखा अवस्थी की एक किताब छपी है राग दरबारी को लेकर के। आप चाहें तो इस उपन किताब का भी नाम आप नोट कर सकते हैं। इस किताब का नाम है राग दरबारी, आलोचना की फांस, जिसके संपादक है रेखा अवस्थी। 2014 में ये किताब छपी थी, 340 पृष्ठ की किताब है, और ये किताब जो है राजकमल प्रकाशन दिल्ली से छपी हुई। इस उपन्यास की जिन लोगों ने समीक्षा की और जो इसकी समीक्षा की जानी चाहिए इसको लेकर के ही ये पूरा उपन्यास केंद्रित है। और इस पे आपको मैं बताऊं, महत्वपूर्ण बात यह है कि सिर्फ हिंदी के विद्वानों ने नहीं लिखा, राग दरबारी पर अंग्रेजी के विद्वानों ने भी लिखा है। और उसमें एक प्रमुख विद्वान का मैं नाम बता रहा हूं जिनका नाम है रूपर्ट स्नेल। पेंगुइन जो अंग्रेजी का महत्वपूर्ण और चर्चित प्रकाशक है, पेंगुइन से राग दरबारी का इंग्लिश ट्रांसलेशन छपा, और इंग्लिश ट्रांसलेशन के छपने से पहले 1990 में रूपर्ट स्नेल ने एक लंबा लेख लिखा था जो तद्भव के संपादक ने 1999 में जब अपनी पत्रिका का प्रकाशन श्रीलाल शुक्ल पर किया, एक विशेषांक निकाला, तो रूपर्ट स्नेल के उस अंग्रेजी के लेख का हिंदी अनुवाद भी प्रकाशित किया था। इस लेख से पता चलता है, रूपर्ट स्नेल के लेख से, कि
राज दरबारी पर जर्मनी तथा दूसरे यूरोपियन भाषाएं जो थी उस पर ही, मतलब उन भाषाओं में भी राज दरबारी पर बहुत चर्चा चल रही। रूपर्ट स्नेल ने खुद अपने लेख में प्रेमचंद और रेणु के गांव से राज दरबारी के गांव की भिन्नता को रेखांकित किया है। उपन्यास के भाषा शिल्प पर उन्होंने ध्यान दिया है और उन्होंने लिखा है, रूपर्ट स्नेल ने लिखा है, ये उनका कोटेशन बता रहा हूं, यहाँ यथार्थवाद चरित्र चित्रण का नहीं व्यंग के शस्त्रागार का एक हथियार है। यह स्वच्छंदतावाद के नीचे से नर्मदा खींच लेने और हर उस चीज जिसमें कृत्रिम कलात्मकता की गंध आती है को तो उभार देने के श्रीलाल शुक्ल के इरादे का अंग है। तो तमाम हिंदी के लोगों की समीक्षा के, निगेटिविटी के और नकारने के बावजूद आप देखते हैं कि पाठकों के दम पे राग दरबारी उपन्यास इतना मशहूर हुआ कि अंग्रेजी के रूपर्ट स्नेल जैसे विद्वानों ने इस पर लिखा, पेंगुइन से इसका अंग्रेजी अनुवाद प्रकाशित हुआ और उसके बाद अनेक लोगों ने इस पर कहा कि जो यूरोप की भाषाएं थी, मसलन इटली की इटालवी, जर्मनी जर्मन, फ्रांस की फ्रेंच, अंग्रेजी, तमाम भाषाओं में इस उपन्यास पर उसके बाद चर्चा होने लगी और इस उपन्यास को लोगों ने पसंद किया। बीरेंद्र यादव एक आलोचक हुए और बीरेंद्र यादव ने प्रेमचंद और श्रीलाल शुक्ल के बीच में क्या भिन्नता है उसके बारे में कहते हैं कि समूचे उपन्यास में लंगड़ ही एकमात्र ऐसा चरित्र है जो संघर्षशील होने का आभास देता है और इस उपन्यास में वे भारतीय यथार्थ को जो देखते हैं वो रुडयार्ड किपलिंग, ईएम फॉस्टर, नीरद सिंह चौधरी और बीएस नायपाल के इंडिया के बारे में जो देखे गए चित्र हैं उसके काफी निकट है। इसलिए उन्होंने कहा है कि श्रीलाल शुक्ल अंग्रेजी मुहावरे के कथाकार हैं और ये कहा है वीरेंद्र कुमार, वो वीरेंद्र यादव। हैदराबाद यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर थे, गुजर गए, सुभाष कुमार। प्रोफेसर सुभाष कुमार ने लिखा है इस उपन्यास के बारे में कि सही सच्चे व्यंग्य की प्रखरता को अभिजात रूप और पाश्चात्य मूल्य से जोड़ा नहीं जाना चाहिए। उनकी यह उक्ति बहुत महत्वपूर्ण है कि सच्चे व्यंग्य की मूल प्रकृति देशज होने के बावजूद अनिवार्यतः वैश्विक और मानवीय होती है। तो इस तरह से आपको मैंने बताया कि अनेक लोगों ने इस उपन्यास पर लिखा और यह लगातार चर्चा के केंद्र में बना रहा अपने 1968 के प्रकाशन के काल से लेकर के और आज तक। शुरू में करीब 10-12 साल तो लगातार इस पर समीक्षाएं छपी और किसी ने इस उपन्यास को एक दृष्टि से देखा, किसी ने दूसरी दृष्टि से देखा, लेकिन दूसरी और तीसरी और चौथी अनेक दृष्टियों के बावजूद बहुत सारा स्वीकार्य का यानी एक्सेप्टेबिलिटी का भाव नहीं था। लेकिन जब बाद के समीक्षकों ने, बाद के आलोचकों ने 1990 के बाद की परिस्थितियों को देखा और तब बताया कि ये देखिए कि उपन्यास कैसे धीरे धीरे अपने को रेलेवेंट साबित करता चला जा रहा है, जो भारत की अव्यवस्था है, जो शिक्षा को लेकर के सरकारों के प्रयोग हैं, जो न्याय व्यवस्था को लेकर के हमारी पूरी प्रणाली है कि लोगों को देर से न्याय मिलता है, 30-40 बरस में जाके कई बार जजमेंट मिलता है, जिसके बारे में कहा जाता है कि देर से मिला गया न्याय अन्याय के समान है, पर वो चल रहा है। तो ये सारी चीजें श्रीलाल शुक्ल ने उस दौर में लिखी थी और जिसका आज की सरकार ने, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने
शौचालय का अभियान चलाया है और हर जगह गांव में खुले में शौच करने से मना किया जा रहा है, अमिताभ बच्चन का विज्ञापन भी आपने देखा होगा, उसको लेकर के उन्होंने उस दौर में लिखा है कि जहां से देहात का महासागर शुरू होता है, उस महासागर में यानी सड़क के किनारे किनारे जब आप शाम को और सुबह को जाएं तो उकड़ू बैठे हुए लोग यानी कि शौच करते हुए लोग आपको दिखाई दे जाएंगे। तो उससे क्या है कि लोगों की समस्या के साथ साथ उन्होंने मुसाफिरों की, यात्रियों की समस्याएं जो है, जो बदबू है, जो गंदगी है रोड पर चलने वालों के लिए, उसको भी दिखाया। और इसी को लेकर के जो इलीट क्लास के अभिजात वर्ग के आलोचक थे, इन लोगों ने नाक भौं सिकोड़ा कि इस चीज को क्यों वर्णन किया गया, इसकी क्या जरूरत थी, वगैरह वगैरह इस तरह की बात की गई। लेकिन सवाल ये है कि आपके नहीं लिखने से या आपके आंख मूंद लेने से जो समस्याएं हैं वो समस्याएं तो खत्म नहीं हो जाती हैं, वो समस्याएं तो बनी रहती हैं। तो जब वो समस्याएं बनी हुई थी तो एक उपन्यासकार उससे आंख कैसे मोड़ सकता था? वह सारी चीजें, अच्छी अच्छी चीजें अपने उपन्यास में दिखाता और बुरी चीजों को नहीं दिखाता, तो वह उपन्यास एक ग्रामीण जीवन का एक सही चित्रण कैसे होता? आपको जिन्होंने कि इस तरह का गांव नहीं देखा है जो कि वास्तव में है और वो उपन्यास में नहीं आया है, तो उपन्यास को पढ़ के जब आप उस गांव को देखते हैं तो फिर आपको झटका लगेगा कि नहीं, ऐसा तो हमने नहीं पढ़ा है उस उपन्यास। तो इसलिए यथार्थ की ईमानदारी के लिए यह जरूरी था कि लेखक ने जैसा भारत के गांव को, भारत के गांव के शिक्षा व्यवस्था के यथार्थ को, उसके साथ साथ गांव में चलने वाली राजनीति को, बैद जी नामक जो एक पात्र है जिनके द्वारा वो कॉलेज संचालित है, उसमें जो प्रिंसिपल है वो प्रिंसिपल कैसे अपनी कुंठा को व्यक्त करता है, क्योंकि वो कॉलेज में प्रिंसिपल है तो वो अपनी कुंठा को व्यक्त करता है कि मैं यूनिवर्सिटी में हो भी जाता तो क्या होता, यूनिवर्सिटी के लोग खुशामदे करते हैं, प्रोजेक्ट लेते हैं, काम नहीं करते, तो तरह तरह का उसमें शिक्षा पर भी बिंब है। तो पूरा का पूरा यह जो उपन्यास है वो एक व्यंग परक उपन्यास है। और जैसा कि हमने शुरू में बताया था, लेक्चर को हम समाप्त कर रहे हैं, जैसा कि हमने शुरू में बताया था कि इसके पहले व्यंग परक लेख लिखे गए, निबंध लिखे गए, लेकिन इतना बड़ा और मोटा उपन्यास नहीं लिखा गया। श्रीलाल शुक्ल ने इसको संभव करके दिखाया था। तो धन्यवाद, हमने अपना व्याख्यान आपको इस पर दिया। आपसे अब मैं प्रश्न आमंत्रित करता हूं कि अगर आपके प्रश्न हो तो प्रश्न करें। भव्या, गीता, गौरी, बताइए आप लोगों के कोई प्रश्न हो। सेंथिल, सर हेलो बताइए। सर ये उपन्यास का यथार्थ बोध लिखने के बारे में पूछे तो सिर्फ सामाजिक परिस्थितियां लिख सकती हूँ मैं? नहीं, यथार्थ का मतलब है जी रियलिटी, और अच्छा रियलिटी जो है वो सिर्फ सामाजिक परिस्थितियों का नहीं होता है। रियलिटी तो रियलिटी है और वो किसी भी क्षेत्र का, किसी भी चीज का हो सकता है। उसमें इसलिए ओके आपको मैंने अभी बताया था कि उसमें शिक्षा की स्थिति को दिखाया गया, उसमें ग्रामीण जीवन की स्थिति को भी दिखाया गया है, राजनीति पर भी व्यंग किया गया है, न्यायपालिका को लेकर के भी व्यंग जी किया गया है। तो इसमें और पुलिस व्यवस्था के बारे में भी जो सारी व्यवस्थाएं हैं उसको लेकर जी के आपको अगर यथार्थ बात करनी है तो सारा आपको ध्यान देना है। ओके सर थैंक यू सर किसी एक पक्ष पे बात करना जो है उचित नहीं होगा। जी ओके सर हाँ, और बताइए। थैंक थैंक यू सर यू। नो सर और इट्स क्लियर आने में थैंक यू और सर थैंक यू किसी सो मच बच्चे, और किसी बच्चे जी की बात कर रहा हूँ, अगर और किसी बच्चे का प्रश्न हो तो प्रश्न करें। ओके।
आपके प्रश्न नहीं है ये मान के चला जाए, हो तो मैं अभी भी आपसे प्रश्न आमंत्रित कर रहा हूं, करें? ठीक है। जयशंकर जी आप जुड़े हुए हैं जी, धन्यवाद पंकज साहब। और जी। आपसे एक और अनुरोध है कि कल शनिवार और रविवार, मतलब जी कल 1 तारीख तो छुट्टी है ना, 2 और 3, क्या समय परिवर्तन करेंगे हम? क्योंकि यहाँ यूनिवर्सिटी में ये जो ऑपरेटर बैठ रहे हैं इनके साथ, इनको काफी देर तक बैठना पड़ रहा है, हर दिन 8 बजे तक। क्या जी हम 4 से 5 आपके लिए अनुकूल होगा? बिल्कुल, आप 3 से 4 भी कर सकते हैं, कोई हाँ, दिक्कत आपके नहीं। साथ साथ प्रोफेसर प्रमोद साहब भी जुड़े हैं, साहब से भी अभी पता करें ताकि तदनुसार अभी सूचना दे देते। प्रमोद साहब नमस्कार, आपका हार्दिक स्वागत नमस्कार है। जी, नमस्कार। हाँ सर, ये आपसे ये पूछा जा रहा था कि 5 से 6 बजे तक शनिवार और रविवार अनुकूल है आपके लिए? हाँ, जी, क्योंकि शनिवार रविवार है ना, हम ऑपरेटर्स को काफी तंग कर रहे हैं, डेली ये लोग बैठे हैं 8 बजे 9 बजे तक, तो ये 2 दिन ठीक है ठीक शनिवार रविवार उनको थोड़ा अर्ली आके निकल जाए, ठीक है ना आपके लिए? ना, हाँ हाँ ठीक है सर। तब ठीक है ठीक। तो छात्रों से अनुरोध है, कल छुट्टी है, शनिवार और रविवार 4 बजे तक आप जुड़ जाएंगे। 4 बजे से शॉर्पली प्रोफेसर पंकज जी आ जाएंगे आपके पास, और फिर 5 बजे शार्पली प्रोफेसर प्रमोद साहब आपको आ जाके आएंगे आपके पास, और 6 बजे तक आपका कार्यक्रम खत्म हो जाएगा व्याख्यान का। तो आप सबसे अनुरोध है कि शनिवार और रविवार 4 से 6 बजे तक के लिए आप लोग पधारिए। और पंकज साहब, आपका परम आभारी हूँ, आप नेटवर्क की समस्या होने के बावजूद फिर जुड़ गए और जी पूरा आपका व्याख्यान अच्छा रहा, और फिर शनिवार जी और रविवार भी इनको इस विषय में पूरी प्रेरणा आप दे देंगे, और फिर हमसे जी आपसे मिलेंगे हम। धन्यवाद। जी जो भी बहुत विषय बहुत बचे हैं धन्यवाद। ये सब आपके पास ही है, तो सिलेबस आपको जी दे दिया, उस दृष्टि से जितना प्रेरित करना है आप अपने छात्रों को प्रेरित करेंगे। और मैं जी प्रोफेसर प्रमोद जी का स्वागत करता हूँ, मैं उनसे क्षमा भी चाहता हूँ, कल परसों मुझे उनको आमंत्रित करने का मौका इसलिए नहीं मिला, तो दूसरी नहीं कक्षा कोई नहीं, में जो शिक्षक को आना था, स्पेशली जानते हैं सेतु सेतु साहब कहीं फंस गए थे, नहीं आ पाए, तो मुझे वहां जी रहना जी पड़ा दूसरे ही कक्षा में, तो आज थोड़ी अच्छा देर से ही वे आए हैं, फिर वहां से मैं लौट आया यहाँ पे। जी आपका जी स्वागत है सर, और मैं हाँ क्षमता भी हूँ आपका वैसे परिचय नहीं दिया। जी दोस्तों, वैसे प्रमोद जी जितने प्रोफेसर है उससे ज्यादा बड़े बड़े कवि है, और जितने हाँ कवि है उससे बड़े प्रोफेसर हैं, ठीक है? ये संक्षेप में परिचय काफी आपके लिए। ये हमें हमारी दोस्ती जो है कम से कम 25 वर्ष से ज्यादा की दोस्ती है, और जब मैं युगमानस चलाता था 94 से, उसी जमाने में ये लिखते थे मेरे यहाँ पत्रिका में, इनकी कवि कविताएं छापने का मुझे अवसर मिला था। बाद में दुनिया गोल है बोलते हैं ना, वैसे ही कहीं से कहीं जाके फिर हम अकेडमिक्स में फिर जुड़ गए हैं, तो वहां मैं संपादक था, ये कवि थे, और फिर यहाँ ये प्रोफेसर है, मैं यहाँ पे यूनिवर्सिटी में हूँ, हम ऐसे ही जुड़े हुए हैं। वैसे प्रमोद साहब कैलिकट विश्वविद्यालय में आने से पहले कई कॉलेजों में भी पढ़ाते रहे, काफी लंबा अनुभव है, और काफी प्रतिष्ठित टीचर है केरल में, और पूरे भारत में इनकी पहचान है, जैसे मेरी पत्रिका के वजह से मेरी पहचान थी, या अपनी कविताओं की वजह से, अपने व्याख्यानों की वजह से पूरे भारत में पहचाने जाते हैं, और कई प्रतिष्ठित पदों पर रहे हैं, और वहाँ के विभागाध्यक्ष भी रहे हैं, और फिलहाल अब हम इनसे अपेक्षा करते हैं जल्दी ही वाइस चांसलर के रूप में हम इनको देखें, क्योंकि इतना बड़ा लंबा अनुभव हो गया और लगातार शिक्षण के क्षेत्र में रहे, मेरे जैसे अलग अलग क्षेत्रों में नहीं रहे, लगातार शिक्षण में रहे, तो आपका हार्दिक स्वागत है सर। आज जी देरी का कारण क्या है, पंकज साहब थोड़ी देर बाद जुड़ गए थे और वे बोलते हुए उनको रोका नहीं मैंने, उनकी बात समाप्त होने के बाद ही आपको बुला रहे हैं, अब आपका समय जी है। धन्यवाद सर। बाबू जी, धन्यवाद। पंकज जी नमस्कार। 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 देख रहा था मुझे लोभ का संवरण नहीं।
आपके बारे लिखा में मैं था छात्रों से एक पंक्ति कह के बता देता हूं जी, छात्रों की दृष्टि कि अच्छा है, क्योंकि हाँ बोल दूरस्थ जी। शिक्षा क्या होता है कि अभी तो हम सब दूरस्थ ही हैं। हाँ, और उत्तर भारत में जी यहाँ पर अभी कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, आप लोगों को सिर्फ शर्ट में देख के मुझे ईर्ष्या हो रही है। हम शर्ट में नहीं, हम फैन चला के बैठे हैं। यहाँ अभी तो कैमरा यहाँ के सामने शर्ट उतारना हमारे लिए संभव नहीं। पे हमारे यहाँ अभी 2 डिग्री सेल्सियस है, अच्छा, 2 डिग्री है। तो आप ऐसा कीजिए, कुछ ठंड जी इधर भेज दीजिए साउथ में, जी ये अच्छा रहेगा। मैं इसलिए क्लास में भी पूरा टोपी वोपी लगा के बैठा हुआ हूँ और बच्चों को अच्छा, बताया। ये स्टाइल बन जाता है, तमिल के लोग पसंद जी करेंगे, जैसे रजनीकांत है, विजय है, इस तरह के लोगों का एक स्टाइल रहता है। आपको भी जैसे जी तमिल फिल्म स्टार की तरह देखेंगे ये लोग। ठीक है, मैं बहुत बहुत धन्यवाद जयशंकर जी बाबू जी आपका, और प्रमोद जी आप अपना क्लास दीजिए, ठीक है, ठीक आप है भाई, आप दोनों को कल के नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं अग्रिम देना चाहता था इसलिए रुका हुआ था, जी, आपको भी, तो आप धन्यवाद सर, आपको भी हाँ ढेर सारे शुभकामनाएं जी, धन्यवाद। ओके, नमस्कार बाबूजी, नमस्कार। वैसे ही अभी मैं आधे घंटे से बैठा था, पंकज बहुत ही लंबा नहीं, वैसे ही उन्होंने, पता नहीं, मैं सोच रहा था कि उनको लास्ट क्लास दे दिया होता तो कितना अच्छा होता, एक और घंटा वो बोल सकते थे, और इसीलिए क्या होता है कि जब टाइम टेबल दिया जाता है तो समय का पालन करना ही पड़ता है, बोलने के लिए बहुत सारे विषय होते हैं। फिर मैंने भी टोका नहीं है, टोकने की आज़ादी है उनसे, जितनी मेरी दोस्ती है, बीच में इंटरफेयर करके रोकने के लिए मैं कर सकता था, लेकिन मैंने सोचा कि अच्छी बात है कि हमारे छात्रों के लिए जी बहुत अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं, तभी ठीक है। और ठीक है, जैसे हमारा विषय बहुत लंबा है, मैंने कल आपको थोड़ा सा परिचय दिया, उसकी भूमिका बांधी है। आज हम विशेषकर मैं सोच रहा हूँ कि हमारे लिए जो भी समय है, उसी समय पर जो खासकर निराला पर जो ये है, राग विराग, राग विराग जो काव्य है, उसी पर मैं बात करना चाहूँगा। जैसे आप जानते हैं, हयावाद नामक जो काव्य आंदोलन है, उसमें जो चार कवि हैं, चार कवि आप परिचित हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा और सुमित्रानंदन पंत, ये चार कवि हैं। इन चारों कवियों की अपनी अपनी खासियत है। आप जानते हैं कि जो चार कवि हैं, विशेषकर महादेवी वर्मा एक प्रकार से एक आध्यात्मिक और विरह महसूस करने वाली कवयित्री के रूप में हमारे सामने आती है, लेकिन जब एक गद्य लेखिका के रूप में वे हमारे सामने आती है, तो स्त्री का सशक्त स्वर लेकर आने वाली एक कवयित्री है, और संस्कृति को लेकर, स्त्री को लेकर, समाज को लेकर, हमारे सहजीवी, हमारे समाज के सारे जीव जंतुओं को लेकर चिंतित एक लेखिका है महादेवा, और उनकी काव्य यात्रा है, विशेषकर आप जानते हैं, तो एक प्रकार से क्या है, एक आध्यात्मिक भी है और उससे बढ़कर पूरा का पूरा राग है, रागात्मक गीत है, लिरिक बोलते हैं, प्रगीत बोलते हैं, लेकिन बाकी सारे कवियों की जो धाराएं हैं, अलग अलग धाराएं हैं,
महादेवी विशेषकर दर्शन स्तर पर बौद्ध दर्शन से बुद्ध के दुखवाद इन सभी से प्रभाव रहे हैं, लेकिन अन्य जो कवि हैं निराला सूर्यकांत त्रिपाठी निराला पर जब हम आएंगे कि हम बताते हैं कि विद्रोही कवि है, क्रांतिकारी कवि है, यानी मौजूदा व्यवस्था के खिलाफ विद्रोह करने वाले कवि के रूप में हमारे सामने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला आते हैं। यानी पारिवारिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से एक प्रकार से विद्रोह या अपनी क्रांति को लेकर चलने वाले एक महत्वपूर्ण कवि के रूप में निराला की गणना की जाती है। और दार्शनिक स्तर पर आप सुने होंगे कि जो वेदांत का जो दर्शन है, वेदांत के दर्शन का बहुत बड़ा प्रभाव निराला के ऊपर पड़ा है। और इसी तरह आप देखेंगे कि जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद विशेषकर उनकी काव्यधारा में आपने देखा होगा, यानी ऋग्वेद का, वेद का प्रभाव जयशंकर प्रसाद में देख सकते हैं। और जब हम क्या है पूर्णचंद्र पंत पर आ जाएंगे, पूर्णचंद्र पंत एक प्रकार से दार्शनिक स्तर पर अरविंद दर्शन से प्रभावित है, लेकिन समय समय पर वे अपने या काव्य बोध को परिष्कृत करते हुए आगे बढ़ते रहे। फिर हम देखेंगे सुमित्रानंदन पंत में शुरू शुरू में प्रकृति के प्रति जिस प्रकार का मोह रहा, प्रकृति के प्रति जो माया मोह रहा है उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते हैं, लेकिन उसके बाद तो एक प्रकार से प्रकृति से प्रणय की ओर चले जाते हैं और उसी प्रणय से फिर आगे मनुष्य की ओर चले जाते हैं और फिर प्रगतिवादी विचारधारा से भी उनका आकर्षण हो जाता है, अंत में एक प्रकार से दार्शनिकता की ओर मुड़ जाते हैं। निराला की जो बात है आपने सुना होगा कि शुरू से लेकर अंतिम समय तक कहीं भी न समझौता करने वाली कवि के रूप में हमारे सामने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला आते हैं। और निराला की जो काव्य चेतना है, बहुत सारी कविताएं उन्होंने लिखी है, बहुत सारे काव्य संग्रह आपके लिए सब परिचय मिल गया होगा। और राग विराग नामक जो काव्य संकलन है उसमें आप देखेंगे 130 कविता है, 130 कविता है। और इसमें एक और राग है, दूसरी और विराग है, जीवन के प्रति रागात्मक पक्ष और दूसरी ओर विरागात्मक पक्ष आप देख सकते हैं। इसलिए निराला की कविता के बारे में बताया जाता है जिसमें जितना आनंद का अमृत है उतना वेदना का विष, जितना आनंद का अमृत है उतना वेदना का विष। यानी निराला के लिए जितने भी विशेषण है, महाप्राण निराला, महामानव निराला, मृत्युंजयी कवि निराला, क्रांतिकारी कवि निराला, विद्रोही कवि निराला, महामानव निराला, ये सब निराला के शब्द के साथ, निराला के नाम के साथ ऐसे ऐसे विशेषण जुड़ता है। और हमें देखना है कि निराला किस प्रकार निराल बन गए, यानी बंगाल के, बंगाल की मिट्टी में पैदा होने वाली कवि है। एक प्रकार से निराला के बारे में बताएंगे तो वो भी हिंदी तर प्रांत के ही कवि है,
लेकिन हिंदी के मशहूर कवि बन गए। अपनी पत्नी की प्रेरणा से वो हिंदी की ओर मुड़ गए थे। जैसे तुलसीदास को तुलसीदास बनाने में जिस तरह रत्नावली की भूमिका रही है, उसी तरह कालिदास को कालिदास बनाने में कालिदास की पत्नी की भूमिका रही है। उसी प्रकार जैसे निराला को निराला बनाने में उनकी पत्नी मनोहरा देवी की भूमिका महत्वपूर्ण है, क्योंकि निराला बैसवाड़ी बोलते थे जो बंगाल की बोली है, और हिंदी के प्रति उनका बिल्कुल आकर्षण नहीं था, लेकिन उनकी पत्नी साहित्य की रुचि रखने वाली थी और उन्होंने इनको हिंदी की ओर आने के लिए बहुत प्रेरित किया। निराला के बारे में यह बताया गया है, निराला बहुत ही कठिन कवि है, टफ पोएट है, टफ पोएट है। यानी जब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में नंद दुलारे वाजपेयी प्रोफेसर थे, हिंदी के जाने माने आलोचक बच्चन सिंह निराला पर काम करना चाहते थे या पीएचडी करना चाहते थे, शोध करना चाहते थे। उन्होंने नंद दुलारी वाजपेयी आचार्य के सामने अपना आग्रह प्रकट किया, तो उन्होंने बच्चन सिंह को यह बताया कि निराला इसे डिफिकल्ट पोएट, निराला इसे डिफिकल्ट पोएट, और बच्चन सिंह ने जवाब दिया आई वॉन्ट टू फाइट विथ ए डिफिकल्ट पोएट। तो उन्होंने निराला को या निराला पर काम करने के लिए बच्चन सिंह को अनुमति दे दी। यानी निराला की जो काव्य चेतना है उसकी गहराई को समझना, यानी दो तीन विद्वानों ने खासकर निराला की रचनाओं पर गहराई से काम किया है। एक रामलीला शर्मा, एक रामलीला शर्मा है, उन्होंने निराला की साहित्य साधना नामक तीन मोटी मोटी ग्रंथ लिखकर निराला की तमाम सृजन चेतना को समेटने का प्रयास किया। बच्चन सिंह ने क्रांतिकारी कवि निराला नामक किताब में निराला की काव्य चेतना की जो भी प्रोग्रेसिव प्रगतिशील पक्ष है उसे हमारे सामने रखने का प्रयास किया। और आप देखेंगे यानी निराला ने विशेषकर रूढ़ियों का विद्रोह किया। उन्होंने बहुत सारी पत्रिकाओं में काम किया है, और निराला की जो प्रथम रचना है जूही की खेली 1960 में लिखी हुई रचना है, और उसे प्रकाशित करने के लिए निराला ने सरस्वती पत्रिका के लिए भेज दिया, लेकिन सरस्वती पत्रिका के संपादक थे महावीर प्रसाद द्विवेदी, बड़े आदर्श वाले और नैतिकता वाले आदमी थे, और एक प्रकार से मर्यादा के ढोक पर बंधे हुए आदमी थे, और उन्होंने इस रचना को प्रकाशित करने का स्वागत नहीं किया या इनकार कर दिया, और इनकार करने से निराला की वो रचना प्रकाशित नहीं हुई। बाद में वे मतवाला नामक एक पत्रिका से जुड़े थे निराला, और निराला ने मतवाला पत्रिका में इसे प्रकाशित किया, और निराला नाम खुद निराला ने दिया है, उन्होंने मतवाला पत्रिका के साथ तुक मिलाते हुए मतवाला निराला, उन्होंने यही मान लिया है जहां यानी मतवाला ऐसी पत्रिका होगी जहां अमृत और विष दोनों का संयोग होता है, जहां राग और विराग का संयोग होता है, ऐसी पत्रिका के रूप में जीवन के विरोधी पक्षों को प्रकट करने वाली एक पत्रिका के रूप में मतवाला पत्रिका प्रकाशित रहेगी, ये उनका विचार है। लेकिन मतवाला पत्रिका में बहुत समय तक उन्होंने काम नहीं किया, समन्वय नामक पत्रिका में काम किया है, लेकिन उधर भी
बहुत समय टिक नहीं रहा। और निराला का जीवन बहुत ही विलक्षण जीवन रहा है। अपने जीवन में बहुत सारी त्रासदियां हुई है, ट्रेजेडी। ट्रेजेडी क्या है? विपत्तियां। लगभग 16 साल की उम्र में विपत्तियों की बहुत बड़ी श्रृंखला। पिता का असामयिक निधन हो जाता है और उसके बाद उनके गांव में चारों ओर इन्फ्लुएंजा फैलने से, इन्फ्लुएंजा की बीमारी फैलने से उनकी पत्नी मनोहरा देवी का अंत होता है और उसी इन्फ्लुएंजा में बड़े भाई की मृत्यु होती है, दादा की मृत्यु होती है, भाभी का देहांत होता है, भाभी की छोटी बच्ची का देहांत होता है। और इस प्रकार मृत्यु की लंबी परंपरा निराला के जीवन में आती है। वो ऐसे गंगा नदी में बहने वाले लाशों को देखते रहते थे। एक प्रकार की विचित्र मानसिकता निराला के कवि मन में बैठी हुई थी। वही मानसिकता ने निराला को सब कुछ तोड़ने का, सब कुछ यानी धिकारने का, विरोध करने का और विद्रोह करने का और रूढ़ियों को तोड़ने का मन बना लिया। और निराला की कविताएं अपने आप में ये इन्होंने एक प्रकार से जैसे जूही की कली पर मैं आ रहा हूँ। जूही की कली पहली छंदमुक्त कविता है। छंदमुक्त कविता छंदों में लिखी जाती थी। निराला ने छंद के शासन को छोड़ दिया है, छंद के बंधन को छोड़ दिया है। परिमल नामक एक काव्य संकलन है। परिमल की भूमिका में निराला ने लिखा भी है। क्या है छंद मुक्त? क्यों कविता छंद मुक्त होना है? छंद मुक्त होने की महत्ता क्या है? मनुष्य की मुक्ति की तरह, मनुष्य की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती है। मनुष्य की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती है। मनुष्य की मुक्ति कर्म के बंधन से छुटकारा पाना है और कविता की मुक्ति छंदों के शासन से अलग हो जाना है। ठीक है, जिस तरह की परिकल्पना है कविता की मुक्ति की और कविता की मुक्ति छंदों के शासन से अलग हो जाना है। सुल्तानंदन पंत ने भी खुल गए छंद के बंधन, प्रास के रजत पास अब युगवाणी मुक्त, यानी कविता की मुक्ति पर उन्होंने भी लिखा। लेकिन निराला की जूही की कली, जूही की कली के बारे में आलंकारिक रूप से बताया जाता है। निराला के काव्य भवन में खिली पहली जूही की कली है। जूही की कली यानी आप देखेंगे कविता की छंद मुक्ति पर ये बताते हैं कि जिस प्रकार यानी मुक्त मनुष्य कभी किसी तरह दूसरों का प्रतिकूल आदर नहीं करता, उसके तमाम कार्य औरों को प्रसन्न करने के लिए होते हैं, फिर भी स्वतंत्र इसी तरह कविता के भी हाल है। निराला के व्यक्तित्व की तुलना आपने कामायनी पढ़ी होगी। कामायनी का जो मनो है, मनो के बारे में प्रसाद ने एक पंक्ति बताई है। मनो के बारे में एक पंक्ति प्रसाद ने बताई है। अवयव की दृढ़ मांसपेशियां, ऊर्जस्विता वीर अपार। अवयव की दृढ़ मांसपेशियां, ऊर्जस्विता वीर अपार। पीर शिराए स्वस्थ रक्त का होता था उनमें संग। ये निराला के बारे में बच्चन सिंह ने बताया है। मनु के बारे में प्रसाद ने जो पंक्तियां बताई हैं, वही पंक्तियां यानी निराला के बारे में बच्चन सिंह ने बताया, क्योंकि उनमें जिस प्रकार की ऊर्जा है, जिस प्रकार की ऊर्जा है, यानी एक प्रकार से एक ऊर्जावान कवि के रूप में निराला को हम देखते हैं। यानी आप मैं जूही की कली पर आ रहा हूं, क्या केवल समय की बड़ी कमी है? जूही की कली कविता की सबसे बड़ी विशेषता यह है, इसमें जीवन का उल्लास है। निराला के लिए अपने प्रिय ऋतु है वसंत, वसंत ऋतु निराला के लिए, क्योंकि वसंत की विशेषता यह है उसमें आनंद है, उल्लास है
पूरा का पूरा यानी एक प्रकार से पुष्पित धरती पर कोई सुगंध फैल जाती है, महक फैल जाती है। और निरावा नहीं, जिस प्रकार की अभिव्यक्ति जूही की कली में किए हैं वो नीति काल के नैदर्शिक वर्णन से हटकर है। उसमें एक प्रकार का श्रृंगार है, युवक युवतियों का श्रृंगार है, लेकिन वो नीतिकालीन परिपाटी की आवृत्ति नहीं है। विजन वन वल्लरी पर सोती अमल कोमल तन तरणी जूही की कली, दृगबंध किए दिल पत्रांग में वासन दे निशात, विरह विदुर प्रिया संग छोड़ किसी दूर देश में था पवन, इसे कहते हैं नवयान। अब देखिए विजन वन वल्लरी पर सोती की सुहाग वही ने स्वप्न मग्न अमल कोमल तन करुण जोही, यानी जोही की कली को किसी निर्जन वन वल्लरी पर सोने वाली किसी प्रियतम के स्नेह स्वप्न में मग्न होकर मस्ती में होने वाली जोही की कली को एक तरुणी के रूप में, एक तरुणी के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत किया। विरह विदुर प्रिया संग छोड़ किसी दूर देश में तो पवन, यानी नायक के रूप में कौन है? नायक पवन है, पवन नायक है और कली और कली नायिका के माध्यम से और पवन नायक के माध्यम से मानवीकरण किया है। मानवीकरण, अच्छा ठीक है, आप सुन रहे हैं? आवाज तो कट नहीं रही है ना? हेलो सर, इधर कट वगैरह नहीं मिलते हैं सर। पांडिचेरी से प्रॉब्लम है सर, सुन रहा हूँ सर। बीच में कट होता है सर ये। अच्छा आवाज आ रही है बाकी लोगों को? हाँ अभी तो आ रही सर, लेकिन बीच में। अच्छा अच्छा हाँ ठीक है ठीक है। और आप देखिए बीच में कट होता है, होती जाती है। ठीक है सर, शुरू कीजिए सर। हाँ चलो ठीक है ठीक है। जूही की कली में क्या बताया है, यानी प्रियतम के रूप में, प्रियतम के रूप में पवन और प्रियतमा के रूप में जूही की कली है। इन दोनों के प्रेम का चित्रण है, मिलन का चित्रण है, विरह का चित्रण है, याद यादे, यानी जिसे साहित्य में कहते हैं प्रोषित पदिका नायिका। प्रोषित पदिका का मतलब जिनका, जिसका पति या प्रियतम परदेश में है, विदेश में है, या बाहर है, या दूर है। प्रोषित पदिका नायिका का प्रवासी नायक के साथ मिलन, उसके लिए बहुत ही सुंदर ढंग से निराला ने उसे प्रस्तुत किया है। आई याद बिछड़न से मिलन की वो मधुर बात, आई याद चांदनी की भुली हुई आधी रात, आई याद कांदा की कंपित कमनीय का, ये सब याद आते हैं विरह के क्षणों में। मिलन की बातें, चांदनी की रात यानी चांदनी की धुली हुई आधी रात जहां हमारा मिलन हुआ था, और जब पहले जब मिले थे तब कांदा की कंपित कमनीय का, यानी जैसे हम रस निष्पत्ति में ये बताते हैं ये सब संजारी भाव है, यानी अपने श्रृंगारी भाव को उद्दीप्त करने वाले भाव है। इस प्रकार यानी वासंती निशा उद्दीपन का काम करता है, यानी एक प्रकार से विभाव
विभाव अनुभाव संजारी भावों के सहयोग से रस निष्पत्ति होती है श्रृंगार रस की। और पवन का वेग आप देखिए, फिर क्या पवन उपवन सरसरिद गहन गिरी कानन कुंज लदा कुंजों को पार कर पवन जाए। जब यहां प्रियतमा याद कर रही है, उधर प्रियतम को याद होता है अपनी बिछड़ी हुई प्रियतमा का। और आप देखिए सारे के सारे पहाड़ों को, नदियों को, समुद्रों को पार करके प्रियतम पहुंचता है और श्रृंगार क्रीड़ा में मग्न हो जाता है। ये कविता है, लेकिन इसके माध्यम से जिस प्रकार की प्यूरिटन नैतिकता है द्विवेदी में, उसके लिए एक चुनौती निराला ने उपस्थित किया है छायावाद में। एक प्रकार से उसी प्यूरिटन नैतिकता के खिलाफ एक साहसपूर्ण आवास इसे हम कह सकते हैं। और निराला ने जिस प्रकार के नायक नायिका को हमारे सामने रखते हैं, वो किसी प्रकार की यानी इसी धरती के नायक हैं, अस्थि मांस की स्त्रियां। और आप देखेंगे कि एक प्रकार से इसी कविता में मानवीकरण को प्रस्तुत किया है और भावों को अपने प्राकृत रूप में प्रस्तुत किया है, अपनी वन्य सुषमा को प्रस्तुत किया इसी कविता में। इस प्रकार पूर्ण रूप से इस कविता में श्रृंगार रस की निष्पत्ति होती है। और दूसरी ओर एक दार्शनिक अर्थ भी इसमें निकल जाता है, क्योंकि कली सुषुप्ति की अवस्था में है, कली स्त्री है, स्त्री को दार्शनिक अर्थ में आत्मा का रूप दिया है, यानी सुषुप्ति की अवस्था में प्रियतम का दर्शन मिल जाता है। और प्रियतम के दर्शन मिलने पर या आत्म साक्षात्कार होने पर एक प्रकार से आत्मा जागृति की अवस्था में पहुंच जाती है और उसे परमानंद प्राप्त होता है। ये इसका एक दार्शनिक अर्थ भी हम निकाल सकते हैं, लेकिन ये कविता एक प्रकार से विद्रोही करता विद्रोह तथ्य और शिल्प, तथ्य और शिल्प यानी कविता का कलापक्ष और भावपक्ष दोनों की दृष्टियों से एक प्रकार से विद्रोह है, क्योंकि अभी तक दिव्य युग में यानी जिस प्रकार की ये रामलीला शर्मा ने छायावाद के बारे में बताया, यानी द्विवेद युग की विधिवृत्तात्मकता और नैतिकता के खिलाफ विद्रोह छायावाद में हुआ है और वो एक प्रकार से मध्य वर्ग में हुआ है। दूसरी ओर आप देखेंगे स्थूलता के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह, डॉक्टर नगेंद्र जी से आलोचक ने यह बताया है स्थूलता के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह का। स्थूलता क्या है, जैसे आप मैं एक उदाहरण बताऊंगा कि आप इसके पहले का जो काल है यानी आधुनिक काल के पहले का रीति काल, रीति काल में स्थूल श्रृंगार यानी एक स्त्री के शरीर का नक्श का वर्णन करना, ये स्थूल रूप हम देख रहे हैं, लेकिन उससे बढ़कर प्रकृति और मनुष्य के सूक्ष्म भावों की ओर प्रस्थान करना ये सूक्ष्मता, प्रकृति की सूक्ष्मता की ओर मनुष्य की सूक्ष्मता की ओर। इसीलिए कवि को लगता है मौन निमंत्रण, प्रकृति से कोई मौन निमंत्रण दे रहा, शब्द ज्योतना में जब संसार चकित रहता शिशु सा नादान, शिशु के पलकों पर सुकुमार विचरता है स्वप्न जान,
जाने नक्षत्रों से कौन हिमंदर देवता इन्हीं पंथ की प्रधान इस प्रकार का भाव उसमें भरकर होता है। और आप देखेंगे जैसे निराला की जो कविताएं हैं मैं आपको बताना चाहूंगा ये सारे के सारे बादल राग नामक जो कविता बहुत ही मशहूर कविता है। बादल राग क्रांति है, बादल को क्रांति के प्रदी के रूप में मान लिया। निराला के लिए वर्षा बारिश सृजन का भी प्रतीक है क्योंकि तो जब बारिश होती है, जब बारिश होती है इस धरती पर धरती आर्द्र हो जाती है और धरती पर छोटे छोटे कंकड़ फूट पड़ते हैं और धरती पर बीज उग जाता है और धरती हरा भरा हो जाती है। और बादल एक प्रकार से सृजन का प्रतीक है लेकिन निराला के लिए दूसरी ओर क्रांति का आह्वान है। जब बादल घुमड़ता है बिजली की कड़क बिजली की आवाज गर्जन तर्जन सभी से यहाँ के बड़े बड़े लोग काम रहे हैं यानी यहाँ के जमींदार सामंती लोग सब काम रहे। बादल क्रांति का प्रतीक है, परिवर्तन का प्रतीक है क्योंकि यहाँ की जो मौजूदा सामाजिक व्यवस्था है का ढह जाना उसका गिर जाना उसका टूट जाना आवश्यक है नए सृजन के लिए। नए सृजन के लिए इसका अभी जो व्यवस्था है चकनाचूर हो जाना आवश्यक हो जाता है। उसी प्रकार की कविता है जागो फिर एक बार बाबूजी मैं कब तक बोलूं बाबूजी शायद चले गए। अच्छा आप लोग बताइए मुझे कि अभी समय 7:40 हो गया है आपके लिए असुविधा हो सकती है मुझे पता नहीं क्योंकि इसके पहले पंडित जी ने समय आधा घंटा मेरा उन्होंने चुरा लिया था। मैं आधा घंटा ऐसे ही बैठा रहा और आप मुझे बताइए कि ये बहुत ही कहाँ कहाँ क्या क्या बोले मैंने बहुत अपने इसमें पड़ा हुआ हूँ और आप ये बताइए कि अभी कोई डाउट आपको इसी निराला से जुड़कर कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए मैं क्योंकि आपस में कुछ संवाद के रूप में मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। हाँ बोलिए सुभैया सर। इम्तिहान में किसी कविता कवि के बारे में पूछा जाए तो उनकी पंक्तियां लेके लिखना है सर या ऐसे ही उसकी सारांश लिखेंगे सर इम्तिहान में? किस पर पूछने पर सर एग्जाम में मान लीजिए निराला के बारे में सवाल आते हैं सर तब उनके जो कवि कविता के कोई पंक्तियां को लिखना पड़ेगा या सिर्फ सारांश से लिखेंगे सर? आपके लिए आप देखिए आपके लिए प्रश्न इस तरह आता है निराला की कविता में विद्रोही चेतना या निराला की काव्य कला इस प्रकार जनरल प्रश्न आता है तो आप जितनी कविताएं आपके परिचित हैं सभी कविताओं को लेकर आप लिखिए। कविताओं के सारांश भी लिख सकते हैं कविताओं की विशेषताएं भी लिख सकते हैं और जितनी कविताएं आपको आती हैं उन सभी को जोड़ के आप उत्तर लिख सकते हैं। लेकिन आपके लिए एक टेक्निक में ये बताऊंगा आपके लिए जितने भी परिचित कविताएं हैं उन सभी को केंद्र में रखकर आप लिखिए जितना आपको मालूम है सभी को जोड़कर आप लिखिए ठीक है जी। हाँ ओके सर धन्यवाद। ओके ओके ठीक है और कोई प्रश्न?
आप निराला से संबंधित कोई भी प्रश्न करें तो मैं बोल सकता हूँ, नहीं तो अगले क्लास में भी बोल सकता हूँ। इसमें मुझे मालूम नहीं कि ये सब बहुत बड़े बड़े विषय हैं, ये छोटे समय कोई एक कहानी है तो हम बता सकते हैं, लेकिन आप इसी में देखिए 130 कविता है, किस पर बोलो इसी असमंजस में। और बाकी भी इसी तरह का बड़ा बड़ा काव्य है। और ठीक है, तो आप और कोई बोलना चाहते हैं, कुछ प्रश्न या जिज्ञासा आपकी? कुछ नहीं बोल रहे हैं। स्वाति, प्रभावती, हाँ नमस्ते जी। जी नमस्ते आ, बोल। आ, आ, बताइए निराला जी के बारे में, और जयशंकर प्रसाद महादेव वर्मा, ये अच्छा है जी, जी ये मैं समझ सकती हूँ जी। आप देखिए प्रभावती जी, हमारे लिए समय का बड़ा अभाव है। हाँ असल जी, में ये विस्तार से बोलने के लिए टाइम बिल्कुल नहीं है, हाँ जी, और मैं भी असल में असमंजस में हूँ। कितना आपसे बात करूँ, ये ऐसे एक एक कविता पर 1 घंटा बोलना है मिनिमम, तो इतनी सारी कविताओं पर एक साथ क्या बोलूँ, या जनरली कुछ ऐसे ऐसे बोलते रहूँ। लेकिन अगर आप कुछ शंका पूछेंगे तो मैं जरूर उसका जवाब दूंगा। अभी कुछ संदेह नहीं जी, संदेह हाँ ठीक है, अगले आप नहीं। देखिए, अगर निराला पर आपको कोई प्रश्न है, हाँ जी, मैं थोड़ा सा आगे तो अगले क्लास में विस्तार से नहीं, थोड़ा संक्षेप में कुछ निराला पर बताऊंगा, क्योंकि उनकी महत्वपूर्ण कविताएं हैं कि जागो फिर एक बार है, राम की शक्ति बुझा, सरोज स्मृति, सरोज स्मृति, राम की शक्ति बुझा, कुकुर मुता, ये सब बहुत महत्वपूर्ण कविताएं हैं, और तोड़ती पत्थर। लेकिन अभी आपके लिए अगर नेक्स्ट क्लास में कोई डाउट इसी से जुड़कर है तो भी पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ठीक है जी, धन्यवाद। जी, हाँ ओके। हाँ स्वाति विजयन बोल रही है। आज कोई डाउट नहीं है सर, सब क्लियर आप देखिए आज जी, है। सर आप कहाँ से बोल रहे हो? केरला से हो क्या? हाँ मैं केरला से आप हूँ, कहाँ से बात कर रही है? केरला, केरला मैं अभी में कहाँ है? अभी कैलिकट से बात कर रहा हूँ, कैलिकट से। हाँ कैलिकेट में तो कहाँ आपका घर कहाँ है, से हो? आपका आपका घर कहाँ है? हेलो, मेरा घर कन्नूर में ही है। हाँ कन्नूर में है, कन्नूर में कहाँ बताया आपने? कन्नूर में कौन सी जगह आपको है? पता है चक्रेगल? हेलो, है? हाँ हेलो, कन्नूर चक्रकल है, चक्रेगल में है सर, आपको पता है? चक्रकल में कहाँ है? मालूम है क्या? येचुर, चक्रकल में कहाँ है आप? मुझे मालूम है, चक्रकल, चक्रकल चक्रकल, प्रॉपर है या कहाँ उसके हाँ आसपास चक्रकल है? में मौंजेरी नामक जगह है, नहीं येचुर के पास मौंजेरी नामक एक जगह है ना, वहाँ है। अरे मावंजेरी या माचेरी? आपको माचेरी आपको मालूम है, एचयूएल के पास है येचुर के ना, पास ही है। वो एक मुत्तपन टेम्पल है उसके पास है क्या? पुलिस स्टेशन येचुर के पास है, येचुर से फिर एक मुत्तपन का मंदिर है ना,
माचेरी बस स्टॉप में। आपको पता है क्या? हाँ, हाँ वहाँ नहीं, मैं तो कापड़ रोड में हूँ। अच्छा कापड़ रोड में है, अच्छा ठीक है ठीक है, समझी। मैं करना हाँ, था, आपको पता है यहाँ सर? मुझे मालूम है, मेरे मिसेस के घर उधर है। अरे बात, आप एचयू के कन्नूर से पास, कहाँ हो? मैं कन्नूर से हूँ और उधर हाँ सैकड़कल हाँ के पास मेरे मिसेस का घर है, और उसी रास्ते से उसी कापड़ रोड से भी मैं जाता हूँ, और मेरे लिए सभी जगह परिचित है। हाँ, आपके वाइफ की घर मुत्तपन टेम्पल के पास है क्या, उधर माचेरी? ही है, उधर ही है। हाँ 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 और उसी कापड़ रोड से मेरा आना जाना होता है। हाँ, यहाँ मेरा हस्बैंड का घर है, मेरा अपना घर तो अलीकोट में है। अच्छा अलीकोट में है, अच्छा ठीक है, अलीकोट हाँ बनबुल है। हाँ 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 वहाँ ही है, आपको पता है? हाँ हाँ मुझे मालूम है। अच्छा ठीक है, कैसे आप? मुझे तो मालूम है ना, मैं कन्नौर का हूँ ना। आपका घर कन्नूर में कहाँ है, आपका अपना घर? मेरा अड़ीकोट आपके उसी बालावटन उसी नदी के उस किनारे है, इरनावा, दूसरे दूसरी ओर है इरनावा, आपने सुना होगा बालावटन के बाद अपनी शहरी इरनावा। हाँ उधर मेरा घर है। हाँ, पता है पता है, ठीक है, अभी कारगिल से हाँ रहा हूँ। पता है सर। हाँ हाँ ठीक है। हाँ, और आप अभी कहाँ रहती हैं? आप अभी कहाँ वर्क कर रहे हैं? कालकटा यूनिवर्सिटी, कालकटा यूनिवर्सिटी। मैं अभी सकरकल में हूँ, हस्बैंड के घर में हूँ। अच्छा अच्छा ठीक है हाँ ओके राइट है ठीक है। और हमारे मित्रों से और कोई प्रश्न है या ओके तो हम अभी आज विदा सर, ले लेंगे, आप अभी से मित्रों, ठीक है तो। हाँ हाँ ठीक है, नहीं कल और मिलते क्या। हैं काव्या, तभी से राजी, निमिषा, भव्या, ठीक है, तो कल मिलते हैं, तो कोई डाउट है तो आप लेकर आइए हैं, डाउट लेकर आए तो अच्छा रहेगा, ठीक है। श्योर सर, हाँ ओके राइट, ओके बाय बाय बाय, गुड नाइट, ओके सर, बाय सर, थैंक यू थैंक सर, यू सर, हैप्पी थैंक न्यू ईयर यू और सभी को, नमस्ते। नए साल की शुभकामनाएं, हैप्पी थैंक यू न्यू सो मच सर, थैंक यू, विश यू अ सेम, थैंक यू सर, ईयर, ओके थैंक यू, बाय 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 सर, थैंक यू। सर, आपको भी शुभकामनाएं है सर, नए साल का।